दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको हमारे भारत वर्ष में किस प्रकार से जाति प्रथा का विकास हुआ उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। और ये चीज़ें मैंने कुछ स्टडी करके तब इसका निचोड़ निकाला कि हमारे देश में जो जाति प्रथा है वो 8वीं और 11वीं शताब्दी के बीच में काफ़ी ये जो छुआछूत या जाति प्रथा राजपूत शूद्र ब्राह्मण इनका इन शब्दों का उत्पन्न हुआ। किस प्रकार से हुआ? क्योंकि पहले 8वीं शताब्दी तक या 10वीं शताब्दी तक हमारे देश में हर्षवर्धन और गुप्त वंश और चोला वंश तीन साम्राज्य हुआ करते थे। तो हर्षवर्धन का साम्राज्य उत्तरी भारत और पूर्वी भारत की तरफ था और जो गुप्त वंश का शासन जो था वो गंगा के ऊपरी क्षेत्रों में और पश्चिमी भारत की तरफ था, और जबकि चोला वंश का शासन दक्षिणी भारत और कुछ ये डक्कन क्षेत्र की तरफ उनका शासन हुआ करता था। इस प्रकार से 10वीं शताब्दी तक इन साम्राज्यों का धीरे धीरे अंत होता गया और नए नए छोटे छोटे साम्राज्यों की उत्पत्ति हुई। इनमें से एक पाल वंश है। तो पाल वंश का शासन जो था वो पूर्वी भारत और गंगा के पूर्वी तटों तक रहा। दूसरा था प्रतिहार वंश। प्रतिहार वंश का जो शासन था वो पश्चिमी भारत और जो ये पश्चिमी भारत और जो गुजरात साइड था इस तरफ जो समुद्री तट था यहाँ तक इनका शासन था। और तीसरा था राष्ट्रकूट। इनका शासन गोदावरी कावेरी और दक्षिणी भारत की तरफ और दक्षिणी समुद्री तटों तक इनका शासन था। इस बीच में छोटे छोटे शासक ताकतवर होने लग गए। इन्होंने जो है आपस में ये लड़ने लग गए। ये तीनों वंश आपस में लड़ने लग गए और इनके जो शासन काल में इन्होंने जो सेना रखी थी जो हूण जाति अरब कंट्री से आए थे तो ये लड़ाकू थे। उन जो व्यापार संबंध होता था भारत के साथ उन व्यापारियों के ये रक्षक हुआ करते थे, उनकी रखवाली करते थे। इस प्रकार से धीरे धीरे ये भारत में भी रहने लग गए तो ये हूण कहलाए हूण। और इन हूणों ने फिर जब ये राजकूट या और जो साम्राज्य थे इनमें इनके राजाओं के यहाँ नौकरी करना भी शुरू प्रारंभ कर दिया था ये सेना के रूप में और उनके रक्षकों में इनकी नियुक्ति हुई। इस प्रकार से इसी युग में मंदिरों का भी विकास हुआ। जैसे राष्ट्रकूट जो साउथ की तरफ थे इन्होंने मंदिरों पे भी काफ़ी ध्यान दिया और मंदिरों में जो पुजारी थे पूजा के लिए रखे गए उनको ब्राह्मण बोल के इनको पुजार के रूप में रखा और अपने मंत्रिमंडल में भी इनको मंत्री के रूप में रखा। इनको थोड़ा पढ़े लिखे विद्वान समझ के इन्होंने रखा और इस प्रकार से ब्राह्मण शब्द की उत्पत्ति हुई। मंदिरों का विकास हुआ और मंदिरों की रखवाली जो इन ब्राह्मणों के पुजारियों के हाथ में सौंपी गई और इन पुजारियों को बदले में अच्छी भूमि दान स्वरूप देने लग गए। धन दौलत भी इनके पास काफ़ी दान में आने लग गया था और इस प्रकार से ये धीरे धीरे ताकतवर होते गए और इन्होंने भी अपनी अंगरक्षक रखने लग गए, अपने कृषि के लिए लोगों को रखने लग गए और अपने संबंधियों के लिए भी कृषि और रक्षक के तौर पे लोगों को ये रखने लग गए। तो इस प्रकार से इनका फिर धीरे धीरे राजवंश के तौर पे इन्होंने भी सारी सुविधाएं प्राप्त कर ली थी और अपना धीरे धीरे विकास करके ये अपने आप को राजा घोषित करने लग गए जो ये मंदिर के पुजारी थे। इस प्रकार देखा होगा आपने कि बंगाल साइड में कई या दक्षिणी भारत में कई साम्राज्य ब्राह्मणवादी थे, ब्राह्मण लोग थे। तो इस प्रकार ब्राह्मण शब्द की उत्पत्ति होकर धीरे धीरे ब्राह्मण जाति कहलाई। इसी प्रकार से जो अंगरक्षक थे तो ये हूण थे। हूण धीरे धीरे सेना में भर्ती होने लगे, सेनापति बने
और राजाओं ने इनको छोटे छोटे सूबों के रखवाली के लिए, कर वसूली के लिए भी नियुक्त किया, और इन्होंने फिर अपने को ताकतवर बना लिया, और इस प्रकार से इन्होंने भी छोटी छोटी अपनी रियासतें कह सकते हैं, और सेना भी रखने लग गए, अंगरक्षक भी रखने लग गए, और इस प्रकार से इन्होंने भी एक राजवंश के तौर पे इनका भी विकास होने लग गया। और इस प्रकार आपने देखा होगा कि छोटे छोटे सूबों के भी मालिक ये राजा के तौर पे बन गए। और इन्हीं में से एक जाति निकली जिनको सेना में भर्ती नहीं मिली, या कुछ इस प्रकार से जो हूँ थे वो धीरे धीरे घुमक्कड़ बन गए। तो ये घुमक्कड़ अपने आप को जाट कहलाते थे, जाट बोलते थे इनको। तो फिर ये उत्तरी भारत में या मध्य भारत में इनका काफ़ी विकास होने लग गया। ये कृषि पर इनका मुख्य वो था, कृषि पे ज़्यादा ध्यान देते थे, और इस प्रकार से इन्होंने कृषि का विकास किया। तो जो उत्तरी भारत या पंजाब रीजन जो है, सिंध रीजन, इस तरफ जाट लोग धीरे धीरे कृषि की तरफ आने लगे। ये भी एक किस्म के राजपूत थे। इसी प्रकार से बाद में जो ये ब्राह्मण थे, और ब्राह्मणों ने अपने लिए जो सिंचाई खेती के लिए या नाई रखे थे, या इस जो लोग रखे थे इन्होंने, इनसे ये उच्च जाति के थे, इनसे जो है उत्पत्त संतान जो शादी कर लेते थे निम्न जात की महिला। और निम्न मीन्स ये जो उनके कृषि करते थे या उनके सेना में थे, इनके लड़कियों के साथ शादी करके ब्राह्मण लोग, तो ये अलाउ था उस समय शादी करना। या पर नीचे निम्न जाति का पुरुष और उच्च जाति का माने ब्राह्मण जाति की महिला से विवाह नहीं किया जा सकता था। तो इनसे उत्पत्ति जो संतान हुई इनको एक कायस्थ कहलाए, और या शूद्र कहलाए ये, तो शूद्र कहलाए। अब शूद्रों में भी इस प्रकार से कई लोग वो हुए, कुछ कृषि पे ध्यान देने लग गए, कुछ आपके जानवरों की खाल उतारने में और जानवरों के पालन पोषण में, जूते बनाने में, इस प्रकार से कुछ लोग उधर लग गए। तो जो ये काम करने लग गए इनको ये धीरे धीरे इनको ये अछूत मानने लग गए, दलित मानने लग गए, और इस प्रकार से दलित शब्द का उत्पत्ति हुई। और धीरे धीरे इनसे ये इतना छुआछूत करने लग गए कि बाद में ये इस जाति का धीरे धीरे विकास होना खत्म हो गया। लेकिन इन्हीं के साथ जो शूद्र थे, जो जिन्होंने ये जानवरों की बलि या जानवरों के खाल से जूते बनाने इस कार्य को नहीं किया, जो इरिगेशन माने सिंचाई या अन्य कार्यों में लगे रहे, कृषि कार्यों में, तो ये शूद्र कहलाए। और बाद में ये धीरे धीरे जो है ये इनमें भी अलग अलग किस्म के जातियाँ उत्पन्न हुई, बैचलर ऑफ जाति, जो कायस्थ या वैष्णव, इस तरह से इनमें भी जातियाँ उत्पन्न हुई। जो व्यापार करने लगे उनको कायस्थ बोला गया। और इसी प्रकार से राजपूतों में भी बाद में जो राजपूत ये जाट साम्राज्य जाट थे, इनमें भी चार किस्म की जाति उत्पन्न हुई। जो जाट थे उनमें भी अलग अलग जैसे परिहार, पवार, और इस प्रकार से ये अलग अलग जाट हुए। और अब जो एक और गुलाम शब्द है, गुलाम जो रहे वो एक अलग वो थे, अलग जाति उत्पन्न हुई थी गुलाम की भी। तो गुलाम वो थे जो जेलों में कैदी थे या जो कर नहीं दे पा रहे थे, तो गुलाम हुआ करते थे। तो ये राजाओं की रक्षा के लिए जब लड़ाई होती थी तो इनको सेना में लड़ाई के लिए भेज दिया जाता था। और इस प्रकार से जिसने अच्छा युद्ध किया या राजा की रक्षा की तो उसको फिर गुलामी से मुक्त किया जाता था। और इस प्रकार से जो महिलाएं गुलाम होती थी, क्योंकि उस समय कृषक जो अपना कर नहीं दे पाते थे, तो अपने बच्चों को या अपनी औरतों को बेच दिया करते थे अपना कर उतारने के लिए। तो अब इन महिलाओं से जब शासन पक्ष का की कोई संतान हो जाती थी तो फिर इन महिलाओं को भी मुक्त किया जाता था। तो इस प्रकार से ये गुलाम लोग भी बने। तो
अब हम निचोड़ ये निकालते हैं कि ये जो शूद्र हैं या राजपूत हैं या जाट हैं, ये हमारे 8वीं शताब्दी से और 12वीं शताब्दी के बीच की उत्पत्ति है। तो इस प्रकार से ये कोई ऐसा नहीं है कि ये ईश्वर के भेजे हुए हैं या ईश्वर ने बनाई है ये जात प्रथा, नहीं, ये हमने ही बनाई है और हमारे कार्यों से बनी है। उनके कार्य किस प्रकार से थे और क्या कार्य करते थे, जो तगड़े मजबूत लोग थे, जो सेना में भर्ती हो सकते थे, उन्होंने धीरे धीरे अपनी राज प्रथा बनाई, अपना शासन बनाया, अपना राज्य बनाया और छोटे छोटे सूबों के मालिक बन गए और इस प्रकार से राजपूत राजा बने। और उसी प्रकार से ब्राह्मण राजा भी बने, क्योंकि ब्राह्मण कोई ऐसा नहीं कि ईश्वर ने बनाया या ऊपर से जाति बन के आई है। इनको पूजा के लिए मंदिरों में रखा गया था और राजा अपने मंत्री के तौर पे इनको रखता था। तो इस प्रकार से इनको दान स्वरूप भूमि दी जाती थी, धन दिया जाता था। इसी धन और दान की गई भूमि पर सिंचाई करके धन इन्होंने प्राप्त किया अपने, धीरे धीरे मजबूत बनते गए और बाद में इन्होंने भी अपने आप को एक छोटे से सूबे का मालिक बना दिया। फिर ये राजा घोषित हो गए, राजा की सारी कार्य विधि ये करने लग गए। ये अब इस प्रकार से हमारे देश में ये जाति प्रथा की उत्पन्न हुई है। तो जो हमारे ही गलती है, हमारे ही सोच थी, हमारे हम ही लोगों की सोच थी कि किस प्रकार से हम जाति प्रथा में आ गए। और यही चीज़ देखा जाए तो अरब कंट्रीज में या यूरोपियन कंट्रीज में या ये ईस्टर्न साइड में जैसे चाइना, इस साइड ऐसी व्यवस्था नहीं हुई और इधर हम इन जातियों को नहीं देखते। तो अगर हम कहें कि ये जाति हमारी जन्म से ही या जब मनुष्य का धरती पे पदार्पण हुआ तभी से है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर होता तो ये यूरोप में भी होता, अरब कंट्रीज में भी होता और ईस्टर्न साइड में भी होता, उत्तरी भारत में भी, उत्तरी एशिया में भी होता। ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ ये भारत में हमारी राजाओं की प्रथाओं ने और किस प्रकार से ये हम इन जातियों में बट गए, ये कहानी है। तो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक ज़रूर करना। प्लीज़, थैंक यू।